नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, संविधान के निर्माता, दलितों के मुक्तिदाता, जिनके बारे में हर एक कोई जानना चाहता है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है। ऐसे ही महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ कैसे हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 सन में हुआ, महाराष्ट्र की पावन भूमि रत्नागिरी महू छावनी में हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम था भीमाबाई और उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने माँ बाप की 14वीं संतान थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महाजाति में हुआ था, जिसे बहुत ही निम्न वर्ग जाति का माना जाता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनकी प्रतिभा किसी भी काम नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उस जाति के लोगों को उनसे बहुत दूर हटके बैठाया जाता था, जहां पे बोर्ड में से कुछ देखा भी नहीं जाता था, इतनी दूर से उनको पढ़ाया जाता था। बाबा साहब के पूर्वज काफी समय से ब्रिटिश शासन के अंदर कार्यरत थे। उनके पिता बहुत ही निडर और ईमानदार व्यक्ति थे। अम्बेडकर के पिता ने अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर हमेशा विशेष ध्यान रखा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने पिता की 14वीं संतान और सबसे छोटी संतान होने की वजह से बहुत ही लाडले थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी सन 1894 के अंदर अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए और उसके 2 साल के बाद माँ भीमा भाई भी, उनका भी निधन हो गया। बाबा साहब के पढ़ाई का और उनके भाइयों का खर्चा और उनका देखभाल का ख्याल उनकी चाची ने रखा, और उनकी चाची ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों के अंदर पूरे परिवार की सेवा की और उनको पढ़ाया लिखाया। तो ये था पहला भाग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म का। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्ट 2 के अंदर हम लोग लेकर आएंगे बाबा साहब की पढ़ाई के बारे में, उनकी शादी के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजारा है। हर एक व्यक्ति विशेष को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेरित होकर उनकी शिक्षाओं पर, उनके संविधान पर ध्यान देना चाहिए और हर एक व्यक्ति को उनका संविधान जरूर पढ़ना चाहिए।